विश्व के सबसे सुंदर स्टेडियम में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग अगेन फ्रॉम धर्मशाला। जी हाँ, जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हम अपने होम स्टे में है धर्मशाला में। अभी बजे हैं सुबह के 8। हम फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता करके हम चलते हैं धर्मशाला को एक्सप्लोर करने के लिए। साथ ही हम करेंगे मैक्लोडगंज को भी एक्सप्लोर। पर अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो भी लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ फीडबैक शेयर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, तो कि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। हमारे इस सफर की शुरुआत होगी धर्मशाला के एक सबसे ब्यूटीफुल प्लेस से, धर्मशाला का जो बहुत ही फेमस स्पॉट है वहाँ से, जहाँ पे ना ही सिर्फ देश से बट विदेशों से भी लाखों करोड़ों लोग आते हैं सिर्फ उस खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए। एक ऐसी जगह जो वर्ल्ड फेमस है, तो चलिए चल के देखते हैं कि कौन सी जगह है वो। थोड़ा थोड़ा अंदाजा आ ही गया रहेगा कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। जी हाँ, हम जा रहे हैं HPCA स्टेडियम धर्मशाला में। तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है विद फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अभी हम जा रहे हैं HPCA स्टेडियम इन धर्मशाला। हमने गाड़ी पार्क कर दी है, तो हमको जाना है गेट नंबर 2 से। HPCA स्टेडियम आप जब भी आए तो मेक श्योर कि आप गेट नंबर 2 से ही एंट्री करें, क्योंकि विजिटर्स सिर्फ गेट नंबर 2 से अलाउड है। और यहाँ पे आप रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स देख सकते हैं पॉज करके। सबसे पहले आप यहाँ से टिकट ले लें। टिकट काउंटर इज़ ओपन फ्रॉम 9 AM to 5 PM, जैसे कि नोटिस में लिखा है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। और नॉमिनल चार्जेस है। तो हमने अपना 2 टिकट ले लिया है और अभी हम एंट्री करेंगे HPCA स्टेडियम के तरफ। कुछ ही महीने पहले यहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था, तो वहाँ के कुछ पोस्टर्स अभी भी लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर्स में। हालांकि हम वर्ल्ड कप तो नहीं देख पाए, बट लेट्स सी कि स्टेडियम अभी कैसा दिखता है। स्वागत है आप सबका HPCA स्टेडियम, जिसका पूरा नाम है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। जी हाँ, दिस इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेडियम। यह स्टेडियम हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत जगह धर्मशाला के पहाड़ों के बीच स्थित है। इस स्टेडियम का नाम दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टेडियम में शुमार है। हम जब गए थे तो एक रणजी मैच चल रहा था। हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया जाए और रणजी मैच भी देखा जाए। और इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड इट्स अ मस्ट विजिट इन धर्मशाला। इस स्टेडियम की क्षमता लगभग 23,000 दर्शकों की बैठने की है। ये स्टेडियम पहाड़ों पर भारत में सबसे ऊंची जगह में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1457 मीटर बताई जाती है। इस स्टेडियम से क्रिकेट के साथ प्राकृतिक दृश्य भी बहुत ही मनमोहक होता है।
and that's why this is known as the world's most beautiful stadium. It was the month of December and it was very chilled in Dharamshala. हमें धूप की बहुत ज़रूरत थी तो हमने सोचा क्यों नहीं यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया जाए, क्योंकि हम सुबह 9 बजे शाम चले आए थे तो टूरिस्ट थोड़े से कम लगे. पर आई मस्ट से गाइज, यू शुड विजिट दिस प्लेस अर्ली इन द मॉर्निंग, आई मीन टू से व्हेन इट स्टार्ट्स एट 9 AM, क्योंकि तभी आपको भीड़ थोड़ी सी कम लगेगी. बट व्हेन इट आफ्टर 10 or 11 भीड़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती. तो हमने अपना टाइम यहाँ पे बहुत ही पीसफुली स्पेंड किया एंड वी वर रियली ग्लैड टू विजिट दिस स्टेडियम. हमने यहाँ पे फोटोज क्लिक किए, रील्स बनाए, जान के बहुत ही देख के बहुत खुशी हो रही थी. हमने सिर्फ टीवी में पढ़ा था, या सॉरी टीवी में देखा था, आई एम सॉरी टीवी में देखा था. और क्रिकेट देखते थे हम, वर्ल्ड कप देखते थे. एंड आई मस्ट से कि अब जब सामने देखते हैं ना, यू कैन फील दैट ब्यूटी. नॉट ओनली सी, आप उस ब्यूटी को फील कर सकते हैं. जैसे स्टेडियम के पास दिस ब्यूटीफुल स्नो पीक माउंटेन्स, धौलाधार की ये रेंजेस, मतलब आपका मन मोह लेती है. एंड दैट्स द रीज़न मेनी टूरिस्ट अराइव एट दिस प्लेस एंड दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट प्लेस इन धर्मशाला फॉर ऑल द टूरिस्ट. वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, जी हाँ, मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है. आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, पूरी एंड तक देखिए. एक रणजी मैच चल रहा है, बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है और हम भी एंजॉय कर रहे हैं बीइंग अ क्रिकेट लवर. एक तो हमें धूप की बहुत ज़रूरत थी जो कि यहाँ पे बहुत मिल रही थी, और हमें यहाँ पे जाने के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया. और आई मस्ट से कि आप भी जब यहाँ पे आएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा. यहाँ से जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होगी, ऐसा लगेगा कि दिन भर बस यहीं पे बैठे रहे. इसलिए हम ना ही सिर्फ स्टेडियम को और रणजी मैच को, बट हम व्यू को भी देख के एंजॉय कर रहे थे. और हाँ, साथ ही साथ धूप भी अच्छी खासी मिल रही थी हमको. स्टेडियम से बाहर जाने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं हो रही है, पर क्या करें, हमको जाना तो पड़ेगा ही यहाँ से. हाँ, हमने बहुत टाइम स्पेंड किया इन स्नो पीक माउंटेन्स के साथ. इस रणजी मैच को देखते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा था, और जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राउंड की जो क्लैरिटी है और ग्रास है, कितनी ग्रीन है. आई मीन टू से हम सिर्फ टीवी में देखते आ रहे थे, बट आई मस्ट से ये अपने आँखों से भी, जो रॉ आइज से आप देखेंगे वो ऐसे ही दिखती है जैसे अभी आपको पिक्चर में दिख रहा है. और मेरे कोई भी वीडियोस में मैं फ़िल्टर यूज़ नहीं करती हूँ,
कोई भी वीडियोस हो, चाहे वो पुराने वीडियोस हो या अभी के लेटेस्ट वीडियोस में, कहीं पे मैंने फिल्टरिंग यूज़ नहीं किया है। जैसा जो है मैं नेचुरली दिखाती हूँ। मैं कोई चीज़ को ब्यूटीफाई करने की कोशिश नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप तक मैं रियलिटी लेके आऊँ, जो जैसा दिखता है वैसा ही दिखाऊं। कोई कोई वीडियोस आपको डल लगेंगे, क्योंकि वो जैसा नेचर जैसा दिखता है मैं वैसे ही दिखाती हूँ। मैं कोई एडजस्टमेंट्स, फिल्टरिंग इफ़ेक्ट्स नहीं देती हूँ। तो बस मेरे अभी हमको जाने का टाइम हो गया है, तो हमें अभी जाना पड़ेगा और भी बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। मुझे पता है आप बहुत लोग देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मुझे मोटिवेशन मिलती है आप सब से, तो जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे, जितना आप मुझे प्यार देंगे, मैं उतना ही आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो कीप वॉच, स्टे ट्यून्ड ऑन लाइफ रीसेट प्लस। जय हिंद, जय भारत।